हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे हार्डनिंग यानी कठोरता के बारे में, और साथ ही साथ हम लोग समझेंगे हार्डनिंग टेस्टिंग मेथड, चाहे वह विकर्स हो, ब्रेनेल हो या फिर रॉकवेल हो। काफ़ी बार आप लोगों का क्वेश्चंस पूछा जाता है जब हम लोग किसी भी मटेरियल की हार्डनेस के बारे में बात करते हैं, और वहाँ पर बोला जाता है कि इस मटेरियल की पर्टिकुलर HRC हार्डनिंग है, तो आप लोगों के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है, सर ये HRC क्या होता है, HB क्या होता है, यानी कि हार्डनिंग टेस्टिंग मेथड जो है, हार्डनिंग की अलग अलग यूनिट जो है वहां पे उससे रिलेटेड काफी कंफ्यूजन है। तो इस क्लास के बाद में चाहे वह विकर्स हो, ब्रेनेल हो या रॉकवेल हो, इन हार्डनिंग टेस्टिंग मेथड को काफी अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे, और साथ ही साथ इनकी यूनिट को भी आप बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर पाओगे। तो गाइस, सबसे पहले ये सारी बातों से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बेसिकली यदि हम देखें कि हार्डनेस क्या होता है, कठोर क्या होता है। तो गाइस, जनरली हम लोगों ने देखा है कि कोई भी मटेरियल, हम लोग एक नॉर्मल डेफिनेशन क्या देते हैं, यदि कोई मटेरियल दूसरे मटेरियल के ऊपर खरोंच पैदा कर देता है, यानी कि स्क्रेच पैदा कर देता है, या दूसरे मटेरियल की कटिंग करने की एबिलिटी रखता है, तो हम बोल सकते हैं कि वो मटेरियल उस मटेरियल से हार्ड है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग माइल्ड स्टील वर्कपीस की कटिंग हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल से कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल जो कि माइल्ड स्टील की कटिंग कर रहा है वो माइल्ड स्टील से हार्ड है। तो ये जनरली होता है, लेकिन एग्जैक्टली हम लोगों को हार्डनेस का पता करने के लिए कुछ मेथड होते हैं, जिन मेथड के माध्यम से हम एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं कि किस मटेरियल की हार्डनेस कितनी है, जिससे कि हम लोग उस मटेरियल का सही जगह पर यूज कर सकें, ताकि इंजीनियरिंग में जिस मटेरियल का जितनी हार्डनेस की जरूरत है उस मटेरियल का वहां पे हम प्रयोग कर सकें। अब इसके लिए थोड़ा सा समझिएगा, बेसिकली हम लोग तीन तरीके से हार्डनिंग मेथड को देखते हैं। एक होता है हमारा खरोंच कठोरता यानी कि स्क्रेच हार्डनेस। इसमें गाइस क्या होता है, ये बहुत ही कॉमन होता है, ये जनरली इंजीनियरिंग में हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। स्क्रेच कठोरता क्या है, स्क्रेच कठोरता यह मापती है कि एक नमूना किसी तेज वस्तु से घर्षण के कारण, वो कोई भी हो सकता है, एक दूसरा मटेरियल हो सकता है, प्लास्टिक यानी कि स्थायी प्लास्टिक विरूपण के रूप में, यानी कि परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में कितना प्रतिरोधी है। यानी कि हम डायरेक्टली यदि मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, तो कोई मटेरियल है वो दूसरी वस्तु या फिर मटेरियल से स्क्रेच जब हम लोग पैदा कर रहे हैं, तो जो मटेरियल के ऊपर स्क्रेच लगा रहे हैं वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन यानी कि वहां पे कुछ खरोच पैदा हो रही है, उसका कितना प्रतिरोध कर रही है, कितना रेजिस्टेंस ले रही है, वो हमारी कठोरता बेसिकली कहलाती है। और इसमें हम लोग वही चीज को मेजर करते हैं, ये भी हमारा एक मेथड है। लेकिन इंजीनियरिंग में जो हम मेथड यूज करते हैं वो होता है हमारा इंडेंटेशन मेथड, इंडेंटेशन हार्डनेस मेथड। इसके अंतर्गत हम लोग विकर्स, ब्रेनेल या रॉकवेल मेथड का यूज करते हैं। तो बेसिकली हम इसके बारे में ज्यादातर समझ रहे होंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग में हम लोग इसी का प्रयोग कर रहे होते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि इंडेंटेशन कठोरता होती क्या है, सबसे पहले यह समझना बेहद जरूरी है। यदि हम लोग इंडेंटेशन हार्डनेस की बात करें, तो एक चीज थोड़ा सा समझ होगा, यहां पे ये क्या बोल रहे हैं कि इंडेंटेशन कठोरता जो है वह सतह इंडेंटेशन यानी कि स्थानीयकृत प्लास्टिक विरूपण, सेम वहां पे वही चीज चल रही है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का सामना करने की क्षमता और तेज वस्तु से निरंतर संपीड़न भार के कारण सामग्री विरूपण के लिए एक नमूने के प्रतिरोध को मापती है। इसमें सामान्यता इंडेंटेशन कठोरता में हमारा ब्रेनेल है, रॉकवेल है या फिर विकर्स आता है। इसको थोड़ा सा समझिएगा कि यह बोलना क्या चाह रहा है इंडेंटेशन कठोरता के बारे में। गाइस, इसमें बेसिकली क्या मेजर करते हैं, इसमें मेजर करते हैं या तो हमारा कोई कंप्रेसिव लोड किसी मटेरियल के ऊपर लग रहा है, तो मटेरियल उसको कितना रेजिस्ट कर पा रहा है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से, यानी कि वहां पे गड्ढा बन जाए या फिर कोई हॉल हो जाए, उसका कितना विरोध वो कर रहा है, उसको मेजर करते हैं बेसिकली हम लोग विकर्स, ब्रेनेल या फिर रॉकवेल मेथड से। तो उनको हम लोग डिटेल में समझ रहे होंगे, वहां पे आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तीसरा हमारा होता है रिबाउंड कठोरता, ये भी हमारी एक हार्डनेस टेस्टिंग मेथड है, और ये हम लोग जनरली इंजीनियरिंग में यूज नहीं करते।
रिबाउंड कठोरता में क्या होता है, जिसे गतिशील कठोरता के रूप में भी हम लोग जानते हैं, किसी सामग्री पर एक निश्चित ऊंचाई से गिराए गए हीरे की नोक या फिर कोई पॉइंट है या हथौड़ा है, वो कितना बाउंस करेगा, रिबाउंड करेगा, उसकी हाइट को मेजर करते हैं बेसिकली हम लोग किस में, रिबाउंड कठोरता में। लेकिन हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप आईटी स्टूडेंट्स हो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो या डिप्लोमा स्टूडेंट्स हो, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इंडेंटेशन कठोरता के मेथड को समझना। तो हम लोग डायरेक्टली उसकी तरफ चलते हैं, देन वहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ब्रेनेल हार्डनेस टेस्टिंग मेथड को समझने का ट्राई करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा चीज़ों को समझिएगा। अब गाइस हम लोग समझ लेते हैं ब्रेनेल टेस्टिंग मेथड को। तो यहाँ पे जो आप लोग देख पा रहे हो, ये यहाँ पे ब्रेनेल टेस्टिंग मशीन जिसको बोल सकते हैं, इसी प्रकार रॉकवेल या फिर विकर की होती है। इसमें बेसिकली हम लोग किस प्रकार जो है टेस्ट करते हैं हार्डनेस को, उसको समझिएगा। यहाँ पे गाइस ये माइक्रोस्कोप लगा होता है एंड यहाँ पे ये दो मोड में काम करती है। एक माइक्रोस्कोप मोड है जो कि यहाँ पे मेजर करने के काम आता है, और यहाँ पे ये सीमेंटेड कार्बाइड हो सकता है, डायमंड हो सकता है, अलग अलग ये हमारा इंडेंटर होता है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जो इंडेंटर है ये हमारा वर्कपीस है जिसकी हम लोगों को हार्डनिंग टेस्टिंग करनी है। तो इसके ऊपर हम लोग एक पर्टिकुलर फोर्स डालेंगे ब्रेनेल मेथड में, और ये जो फोर्स है ब्रेनेल मेथड में वो यहां पे डाला जा रहा है, और कुछ सेकंड के लिए हम लोग होल्ड करेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा फोर्स डालते हैं हम लोग ब्रेनेल मेथड में, जो कि 100 kgf से लेके 3000 kgf तक रहता है, तो उसको होल्ड करेंगे। अब यहां पे जब होल्ड करेंगे तो एक देखो हल्का सा डेंट यहां पे गड्ढा जो है बन जाएगा। तो ये जो गड्ढा है गाइस उसको मेजर करते हैं। अब देखो इस मशीन को हम दूसरे मोड में लाएंगे, माइक्रोस्कोप मोड में। तो ये जो गड्ढा है, ये जो यहां पे डेंट बना हुआ है, वो इस स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल है। यहां पे अब हम लोग जो डायामीटर है उसको मेजर किया जाएगा कि इसका एवरेज डायामीटर क्या निकल के आ रहा है, उसके बेस पर इसकी हार्डनेस डिसाइड होती है कि कितना गड्ढा यहां पे हुआ है, कितना हॉल यहां पे हुआ है। तो यहां पे देखो एक चीज समझिएगा, यहां पे क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। हमने क्या किया, यहां पे आप लोग क्या देख पा रहे होंगे, एक D1 है, एक D2 है, और यहां पे कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी है इंडेंटर का डायामीटर, यानी कि जिससे हम लोगों ने इंडेंटर यानी कि जो टूल है जिससे हम लोगों ने क्या डाला था, फोर्स डाला था मटेरियल के ऊपर, वो डायामीटर हमारा यहां पर मिल जाता है। हमने फोर्स कितना अप्लाई किया यहां पे हम लोगों को मिल जाता है, कितनी देर होल्ड किया वो यहां पे हम लोगों को मिल जाता है 25 सेकंड। देन यहां से हम लोगों ने एवरेज डायामीटर निकाला किसका, जो हमारे वर्कपीस पर आया हुआ है। तो ये हमारा एवरेज डायामीटर है, इसके बिहाफ पर ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके हम लोगों को दे देता है मशीन की यहां पे इस मटेरियल की कितनी हार्डनेस है। तो इसकी हार्डनेस दिखाई गई है 203 HBW। अब यहां पे देखो अलग अलग हार्डनेस आप लोगों को मिल जाती है, कभी HBW यहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, कभी HBS यहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूजन हो जाता है कि सर यहां पे कभी कभी ओनली HB लिखा रहता है, तो इसका क्या मतलब है, HBW का क्या मतलब है, HBS का क्या मतलब है। तो उन चीजों को भी समझने की जरूरत है। तो यहां पे ये चीज तो आप लोगों को क्लियर हो गई। बाय द वे इसका एक फॉर्मूला भी होता है जिसके माध्यम से इसको मैनुअल भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी हार्डनेस है, आप लोगों को क्या क्या चीज पता होना चाहिए, आप लोगों को उसके अंतर्गत ये सारे टर्म जो है पता होना चाहिए। तो उसको भी हम लोग आगे देख रहे होंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यूनिट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब यूनिट को यहां पे समझिएगा, यदि ब्रेनेल कठोरता परीक्षण की बात करें, ब्रेनेल हार्डनिंग टेस्टिंग की बात करें, तो यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या बोला कि जो इंडेंटर है उसका डायामीटर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो कितना डायामीटर का है, बाकी हमने जो है कितना फोर्स अप्लाई किया वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, देखो ब्रेनेल कठोरता संख्या हम लोग इसको किससे, HBN से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं डायरेक्टली। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, इसको बोलते हैं हार्डनेस, एच हमारा हार्डनेस से आया, बी ब्रेनेल से, और एन हमारा नंबर है बेसिकली। दूसरा यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, हम लोग इसको किस प्रकार, कठोरता से एच आ गया, ब्रेनेल से बी, और इंडेंटर की सामग्री से डब्लू आ गया। अब अभी हमने किससे किया था, HBW से, तो डब्लू क्यों लिया, यदि यहां पे टंगस्टन कार्बाइड का इंडेंटर यूज किया जाएगा
तो हम लोग किसको लिखते हैं, HBW यूनिट लिखेंगे। और कई प्रकार, कई बार यहाँ पे क्या है, HBW की जगह HBS भी आप लोगों को नज़र आ जाएगा। तो S हमारा जब हम लोग कठोर स्टील की बॉल का प्रयोग करते हैं वहाँ पे हम लोग HBS लिखते हैं ब्रेनेल हार्डनेस में। तो यहाँ पे समझ में आ गया, H हमारा हार्डनेस है, B हमारा क्या ब्रेनेल मेथड है, और S हमारा स्टील हो गया। इस प्रकार W भी हम लोग यूज कर लेते हैं टंगस्टन के लिए। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या बताया, ब्रेनेल कठोरता परीक्षण को हम लोगों ने समझा, जिसके यूनिट से क्वेश्चंस आप लोगों के बार बार पूछे जाते हैं, जो कि अभी रिसेंट एग्जाम्स में जो है पूछे गए। अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है HBN का, जिसके माध्यम से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, जिसमें हमारा 2P अपॉन यहां पे पाई डी डी माइनस 2D D2 माइनस D2 यहां पे एंड 1/2, या फिर ये डिटेल्ड फॉर्मूला हो जाता है। एंड इसका शॉर्ट फॉर्मूला भी हम लोगों का होता है। तो यहां पे इसका ये शॉर्ट फॉर्मूला भी हो जाता है। HB की बात करें तो ये ब्रेनेल हार्डनेस नंबर है जो कि हम लोग निकालते हैं। पी हमारा क्या है, यहाँ पे प्रेशर या फिर लोड बोल सकते हैं, जो इंडेंटिंग टूल पर दिया गया है। और कैपिटल डी की बात करें, डायमीटर ऑफ स्टील बॉल हो सकती है या टंगस्टन बॉल हो सकती है। एंड स्मॉल डी की बात करें, जो इंप्रेशन बनाया हुआ है, जो हमारा वर्कपीस के ऊपर निशान आया हुआ है, वो हमारा स्मॉल डी होता है। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से मैनुअली भी हम लोग हार्डनेस टेस्टिंग कर सकते हैं, क्लियर है। बाकी ऑटोमेटिकली ये मशीन के ऊपर कैलकुलेट करके दिखा देता है, तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। तो यहां पे आप लोगों को क्लियर हुआ ब्रेनेल हार्डनिंग टेस्टिंग मेथड के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं विकर के बारे में। तो विकर को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यदि हम लोग विकर्स हार्डनिंग टेस्टिंग की बात करें, तो जब हमारे पास में ऑलरेडी ब्रेनेल हार्डनिंग टेस्टिंग मेथड था, तो विकर की जरूरत क्या पड़ी। तो सबसे पहले ये चीज समझिएगा कि जो हमारा ब्रेनेल हार्डनिंग टेस्टिंग मेथड है, उसमें बहुत ज्यादा लोड अप्लाई किया जाता है, क्योंकि वहां पे हमारा जो इंडेंटर होता है उसका शेप किस प्रकार का होता है, राउंड होता है। क्योंकि यहां पे जो इंप्रेशन बनेगा वो हमारा किस प्रकार का बनेगा, राउंड बनेगा, जिसका एवरेज डायमीटर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, वहां से हम लोगों को हार्डनिंग का वैल्यू मिलता है। लेकिन जब हम लोग विकर्स की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहां पे इसके कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। इसको जनरली हम लोग किस प्रकार के मटेरियल के लिए यूज करते हैं, ब्रेनेल को जहां पे हमारा राउंड जो है इंडेंटर होता है, इसको प्रयोग कर लेते हैं गाइस हम लोग नर्म पदार्थों के लिए। क्यों? क्योंकि ये नर्म पदार्थों में इजीली इंप्रेशन छोड़ देता है, लेकिन हार्ड मटेरियल के लिए इसको यूज नहीं करते हैं। क्या रीजन है कि सर हार्ड मटेरियल के लिए प्रयोग नहीं करते हैं? बिकॉज इसको थोड़ा समझिएगा, यदि हार्ड मटेरियल के लिए हम इसको प्रयोग करेंगे, तो यहां पे यदि हम लोग प्रेशर डालें, ये डायामीटर हमारा इस प्रकार, यहां पे यदि हम लोग प्रेशर डालें तो ये दब जाएगा। यानी कि प्रॉपर देखो, इसका ये हमारा श्रिंक हो रहा है हार्ड मटेरियल पर, इसके अंदर नहीं जा रहा क्योंकि सरफेस एरिया थोड़ा सा ज्यादा है। तो इसलिए इसका हार्ड मटेरियल के लिए हम लोग ब्रेनेल का प्रयोग नहीं करते, और यहां पर फोर्स भी काफी ज्यादा अप्लाइड करते हैं, 10 से लेके 3000 तक। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। लेकिन विकर्स की हम लोग बात करें, किसकी बात करें गाइस, विकर्स की बात करें, तो विकर्स में थोड़ा सा चीजें अलग हो जाती है इस विधि में। यहां पे देखो क्या है, सेम हमारी मशीन है, यहां पे ये माइक्रोस्कोप मोड में लगा हुआ है। एंड यहां पे यदि आप लोग देखोगे इसके इंडेंटर को, तो यहां पे डायमंड का पिरामिड आकार का, जिसका 136 डिग्री यहां पे एंगल है, इस प्रकार का इंडेंटर यूज किया जाता है। और यहां पे फोर्स भी काफी कम अप्लाई किया जाता है, क्योंकि ये तीखा होता है और इजीली जो है चला जाता है, इसीलिए इसका प्रयोग हार्ड मटेरियल के लिए हम लोग इजीली कर लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, विकर्स हार्डनिंग विधि की बात कर रहे हैं। तो यहां पे हार्ड मटेरियल चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और इसका 100 जो है, इसका जो इंडेंटर होता है वह डायमंड का होता है। देखो कुछ इस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं। सेम मेथड है, जिस प्रकार ब्रेनेल का मेथड था उसी प्रकार विकर्स का मेथड है। इसमें क्या हुआ, हमारा स्क्वायर टाइप का जो इम्प्रेशन आया हुआ है, इसको माइक्रोस्कोप में लगाया, देन यहाँ पे आप लोग देखोगे हमारी हार्डनेस यहाँ पे एच बी आ गई। अब ये विकर्स है, इसीलिए इसकी जो हार्डनेस है वो हमारी किस में आती है, एच बी में आती है, क्लियर है ना। तो इतना ही सिमिलर है ब्रेनेल की तरह, लेकिन यहाँ पे इंडेंटर की शेप में अंतर है, और फोर्स यहाँ पे ज़्यादा अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, और हार्ड मटेरियल के लिए इसको प्रयोग करते हैं। यदि गाइस हम लोग रॉकवेल मेथड की बात करें, तो रॉकवेल को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, बिकॉज ये थोड़ा सा अलग होता है। रॉकवेल में हम लोग देखें
तो रॉकवेल में गाइस हम लोगों की अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे कि बी स्केल और सी स्केल। इसमें बॉल का भी प्रयोग कर लेते हैं हम लोग, पॉइंट का भी प्रयोग कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जो रहेगा वो हमारा कॉर्न शेप का इस प्रकार का इंडेंटर होगा। और इनमें हम लोग क्या देख रहे थे, यदि देखें विकर्स और ब्रेनेल में हम लोग वहाँ पे इम्प्रेशन को देख रहे थे कि कितना डायामीटर तक इम्प्रेशन हुआ, वो चीज़ों को मेज़र कर रहे थे। लेकिन रॉकवेल में हम लोग डेप्थ को मेज़र करते हैं, जो हमारा 120 डिग्री का नुकीला इंडेंटर है वो कितने डेप्थ तक अंदर जा रहा है, उस डेप्थ को देख के हमको हार्डनेस का पता चलता है किस में, रॉकवेल में। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा किस प्रकार से, जिससे कि आप लोगों को चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो। यहाँ पे हम लोगों का इस प्रकार, हम लोग यदि प्रेशर इस पे लगाएं तो प्रेशर लगाने के बाद में जो 120 डिग्री का इंडेंटर है वो हमारा कहीं ना कहीं डेप्थ में जाएगा। इस प्रकार देखो यहाँ पे इनिशियल फोर्स लगाते हैं सबसे पहले, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का, यहाँ पे देखिएगा जिससे कि चीज़ें आप लोगों की क्लियर हों। कम लोड लगाएंगे और अधिकतम लोड लगाएंगे। कम लोड हमारा 10 kgf रहता है और अधिकतम लोड हमारा 100 kgf रहता है, और ये वेरी करता है मटेरियल के अकॉर्डिंग। जैसे कि F0 है, यहाँ पे हमने कुछ नहीं लगाया, यहाँ पे देखो 10 kgf हमने लगाया। देन अभी जो है यहाँ पे एक हम लोग क्लियरली यहाँ से हम लोग एक मैक्सिमम लोड की तरफ जाएंगे, जो कि अभी आप लोग देखते चलेगा, जिससे कि चीज़ें आप लोगों की ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो पाएंगी। और अब देखो F0 प्लस F1 मिला के हम लोगों का मैक्सिमम डेप्थ यहाँ पे आ जाता है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब मैक्सिमम डेप्थ यहाँ पे आ रहा है जब हमारे दोनों फोर्सेस लगे हुए हैं, लेकिन अभी आप लोग फोकस क्या करिएगा, यदि हम लोग F1 लोड को रिमूव करें तो थोड़ा सा हमारा जो मटेरियल है वह ऊपर की तरफ जो है इसको धकेलेगा। क्लियर है ना? तो ये देख सकते हो ये ऊपर की तरफ बाउंस किया। अब हम लोग ये जो ऊपर की तरफ बाउंस करने के बाद में अब हमारा ये शेप जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में आ गया, इतना प्रॉपर हॉल बन गया। और ये हमारी हाइट है। हार्डनेस मेजर कहाँ से करते हैं? रेफरेंस लेबल से लेके हमारा जहाँ तक गड्ढा उसने बनाया हुआ है। माइक्रोस्कोप मोड में यहाँ पे क्लियरली हमारी हाइट जो है मेजर कर लेंगे कितना है, वो हमारी उसके अकॉर्डिंग इतने मिलीमीटर में कितना HRC आता है, तो वो देख के हम लोगों का यहाँ पे निकल जाता है। अब देखो इसमें भी हमारा HRC आता है और HRB आता है, दो हार्डनिंग आती है, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इसमें रॉकवेल टेस्टिंग मेथड में क्या होता है, एक होता है हमारा HRC और एक होता है HRB, बिकॉज इसमें हमारी एक होती है बी स्केल और एक होती है सी स्केल। दोनों में अंतर क्या है, यदि हम लोग देखें बी स्केल में धातु की हार्डनेस चेक करने के लिए हार्ड स्टील बॉल का प्रयोग करेंगे, जैसे यहाँ पे जो हम लोग यूज कर रहे थे इस प्रकार का, वहाँ पे हार्ड स्टील का होगा। और HRC की यदि हम लोग बात करें तो HRC में हम लोग डायमंड पॉइंट का यूज करते हैं जो 120 डिग्री का होगा। क्लियर है ना? यहाँ पे बॉल का प्रयोग करेंगे, यदि बॉल का प्रयोग करके हम लोगों ने वो देखा तो वहाँ पे हम लोग क्या होगा, एक्चुअल में इस बॉल का डायामीटर बहुत कम होगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डायामीटर होगा, जब ही तो वो डेप्थ में जा पाएगी। और यहाँ पे हम लोग कौन टाइप का प्रयोग करेंगे, जो कि डायमंड का होगा, इसीलिए HRC और HRB हम लोग लिखते हैं। जब बी स्किल का प्रयोग करेंगे तो HRB और सी स्किल का प्रयोग करेंगे तो HRC। इस प्रकार इसकी यूनिट थोड़ा सा चेंज हो जाती है। तो ये हमारी बेसिकली रॉकवेल मेथड होता है। अब तीनों को थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं जिससे कि चीज़ें आप लोगों की समझ में आ जाए। यहाँ पे देखो आप लोगों को मिल जाता है मेथड, यहाँ पे इंडेंटर है, और ये हमारे देखो मेथड में यदि देखें तो रॉकवेल सी और रॉकवेल बी, बिकॉज रॉकवेल बी में कार्बाइड स्टील का बॉल प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ पे डायमंड कॉन प्रयोग कर रहे हैं जिसका एंगल 120 डिग्री है। विकर्स में देखें तो डायमंड पिरामिड का प्रयोग कर रहे हैं जिसका एंगल 136 डिग्री के आसपास आ रहा है। यहाँ पे ब्रिनेल में कार्बाइड बॉल का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। यदि यहाँ देखें हार्डनेस मेजर तो यहाँ पे इंडेंटेशन डेप्थ को हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे यदि देखें सरफेस एरिया को देख रहे हैं कि कितने एरिया में है, यहाँ पे भी हम लोग सरफेस एरिया को देख रहे हैं, बिकॉज रॉकवेल में ओनली हम लोग डेप्थ को देखते हैं, बाकी में सरफेस एरिया को देखते हैं। एडवांटेज क्या है यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे देखो फास्ट प्रोसेस हो जाता है कैन बी,
ऑटोमेटेड, सारा कुछ ऑटोमेटेड है। यहाँ पे टेस्टिंग ऑफ वेरी सॉफ्ट एंड वेरी हार्ड मटेरियल्स एज वेल एज थीन सीट। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, विकर्स की बात कर रहे हैं। विकर्स से हम लोग सॉफ्ट मटेरियल को भी मेजर कर सकते हैं और हार्ड मटेरियल को भी मेजर कर सकते हैं, बिकॉज इसमें क्या है, पिरामिड है, तो जैसे ही हम लोग डालेंगे क्लियरली आराम से कम फोर्स में, चाहे वह नरम पदार्थ होगा, जब भी उसके अंदर चला जाएगा सार्फ है नीचे की तरफ, क्लियर है, और हार्ड मटेरियल होगा वहां पे भी वो चला जाएगा। फोर्स इंडिपेंडेंट मेजरमेंट रिजल्ट, ये उसके ऊपर इंडिपेंडेंट रहेगा। लेकिन अब यदि हम लोग ब्रेनेल के एडवांटेज की बात करें, टेस्टिंग ऑफ हेटरोजीनियस माइक्रोस्ट्रक्चर यानी कि विषम सूक्ष्म संरचनाओं की टेस्टिंग इजीली हम लोग कर सकते हैं। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इन मेथड के, जैसे कि रॉकवेल की बात करें तो ये हार्डनेस वैल्यू को उतना एक्यूरेट नहीं देता है जितना कि विकर्स हो या फिर ब्रेनेल हो वो देते हैं। यदि हम लोग देखें तो ये वेरी सॉफ्ट और वेरी हार्ड मटेरियल के लिए भी सुटेबल नहीं होते हैं, ये बीच वाले मटेरियल के लिए जनरली सुटेबल होते हैं। यदि विकर्स के डिसएडवांटेज को हम लोग देखें तो यहाँ पे सॉक सेंसिटिव पिरामिड या फिर टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा लेता है, और यहां पे ओनली जो सुटेबल है वो किसके लिए है, फाइन ग्रेंड माइक्रोस्ट्रक्चर्स के लिए ये सुटेबल है, बाकी स्ट्रक्चर के लिए ये सुटेबल नहीं होता है। इसी प्रकार यदि ब्रेनेल की बात करें, नॉट सुटेबल फॉर वेरी हार्ड मटेरियल एंड थीन सीट, इसके लिए ये सुटेबल नहीं है, एंड यहां पे भी टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये चीज थोड़ा सा यहां पे इनके कुछ डिसएडवांटेज भी है, किसी का एडवांटेज है तो किसी का डिसएडवांटेज। सो आई होप मैं बेसिक तरीके से इनको समझा पाया होगा आपको। सो आशा करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यदि आप लोगों को कुछ डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है, आप लोग दिल खोल के कमेंट कर सकते हो। यदि वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को एक थम्स अप करके जाइएगा, बिकॉज आप लोगों का एक लाइक बहुत कीमत रखता है मेरे लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।